कोई आंख मार के फेमस हुआ, कोई खैर छोड़ो जाने दो, इंट्रो लगाओ। वापस आ गया तू फिर से डरेगा, किस तरह फ्लॉप हुआ क्या करेगा। अजी आओ, स्वागत है फेम। ये वो उड़ता हुआ तीर है जो हर मानुष अपनी तशरीफ में लेना चाहता है, चाहे उड़ के, चाहे उड़ा के, चाहे गिर के, चाहे गिरा के, चाहे मार के, चाहे। तो इस वीडियो में दीदार होगा कुछ उन महाहस्ती, सॉरी महासस्ती लोगों का, जिन्होंने उड़ते हुए फेम का तीर लिया है अपने बम्पर। लेकिन ये फेम का उड़ता हुआ तीर हर बार सही निशाने पे नहीं लगता, कभी कदार ये गलत तशरीफ में समा जाता है। और इस वीडियो में चंद उन्हीं गलत तशरीफों का दीदार होगा। तो दादा जो है वालिद के अब्बा हमारे, उनके जमाने की परंपरा लेडीज फर्स्ट को निभाते हुए स्टार्ट करते हैं इस लेडीज से। तो ये है ब्यूटी खान। चौंक गए दुनिया वालों, ये किसी तरह मेरे भी मासूम हृदय में ब्यूटी का नाम सुनकर कुछ ऐसी छवियां आई थी। नहीं मतलब किस एंगल से, मतलब 360 डिग्री से पूरा इसको देख लो। नहीं तुम मेरी तरफ से 40-50 डिग्री और ऐड कर लो, तुम 400 डिग्री से देखो किस एंगल से तुम इसमें ब्यूटी नजर आ रही है। मुझे तो ब्यूटी स्पॉट में भी ब्यूटी नहीं नजर आती। ब्यूटी खान बाय। A few moments later. No. खत्म गया। जब मुझे ब्यूटी खान में ब्यूटी नहीं नजर आई तो मैं ब्यूटी की तलाश में एक अलग राह पे निकला। तो मेरे सामने आई ये मोहतरमा जिसको इंस्टाग्राम पे 11 मिलियन महाचुटिया फॉलो करते हैं। इस कन्या को लोग रियाज नाम से जानते हैं। इसमें ब्यूटी ढूंढने के लिए मैंने रियाज किया कि शायद रियाज करके इस रियाज में मुझे रियाज नजर आ ब्यूटी नजर आ जाए। पर क्या मुझे ब्यूटी मिली? अरे मिले कि नहीं मिले? नहीं मिली। ये मोहतरमा मजाल बेइज्जती कराने में पीछे हट जाए? नो। एक बार ये कन्या ऐसे वैसे लहरा के मटक वटक के लाइव आ गई। अब क्या सोच रहे हो कि लाइफ तो ये रोज ही आती है? अरे अब की बार कुछ डिफरेंट हुआ, कुछ खास हुआ। लाइव आई विदाउट फिल्टर। व्हाट्स अप एवरीवन, क्या चल रहा है? सिर्फ नेशनल लेवल पे बेइज्जती कर रहा है तो ये रोस्टिंग मटेरियल कैसी? इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती देखो। गजब बेइज्जती है। अब तुम लोगों के पिछवाड़े के कीड़े ने तुम लोग के मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न किया होगा कि एटलीस्ट ये इंस्टाग्राम पे लाइव आके कम से कम ये इन लोग से बात तो कर लेता है, तू तो वो भी नहीं कर सकता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन लेट मी टेल यू डेट मैं भी लाइव जाता हूँ मोहल्ले के गरीब बच्चों के साथ। हम गरीब लोग हैं साहब, हम लोग से अमीर सेठ बात नहीं करते लाइव। अब क्या सोच रहे हो कि इतना इमोशनल क्यों कर रहा हूँ? अरे दादा जो थे वालिद के अब्बा हमारे, वो कहा करते थे कि बेटा गरीबी दिखा के इमोशनल करने से फेम मिलता है, और दादा कभी गलत नहीं कहते थे। मैं गरीब हूँ, ठीक हूँ। इस प्राणी का ये धरती नामक गोले पे आने का सिर्फ तीन ही मकसद है। पहला, माँ को मामा बनाना। दूसरा, अपनी गरीबी दिखा के LIC एजेंट्स को दूर रखना। मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए, मैं गरीब ही ठीक हूँ। और तीसरा, अमीर सेठों के पैरों की और शरीर के कुछ अन्य अंगों की तेल से मालिश करना। बहुत दिनों से पैरों में तेल नहीं लगाया, आज लगा देना। साहब लाओ। साले ये गरीबी दिखाकर फेम ले रहे हैं। साहब कुछ खाने को दो ना साहब। इससे ज्यादा गरीब तो मैं हूँ कि साला जब सुबह में रोटी खाता हूँ तो शाम की चिंता मेरे मस्तिष्क में आके सताने लगती है कि क्या मुझ गरीब को शाम को रोटी मिलेगी। अबे तुझे गरीबी दिखा के फेम नहीं मिलेगा। गरीबी दिखाकर फेम नहीं मिलेगा? ठीक है, मैं अमीर हूँ, इनकम टैक्स वालों आ जाओ, ये रहा मेरा एड्रेस। लेकिन हर बार सिर्फ गरीबी फेमस नहीं होते, कभी कदर अमीर भी फेमस हो जाते हैं, या यूं कहूं टकले भी फेमस हो जाते हैं। इसकी वीडियोस देखो। मतलब इसकी ये वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में ख्याल आया कि सुबह जब ये बाथरूम जाता होगा तो कैसा बम्बार्डमेंट होता होगा। मतलब फेम का तीर भी इसकी तशरीफ में जाकर अफसोस करता होगा। सुनी आवाज ये फेम के तीर की आवाज जो इसकी तशरीफ में, सुनो गौर से। अफसोस होता है। तोबा। और बात फालतू के फेम की हो रही हो तो ये छपरी ना आए। Oh,
बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। मतलब चाइनीज चपाती जैसी छपरी चोर जैसी शक्ल बना के साले फेम लूट रहे हैं, ये क्या है? इस निब्बे की कोशिकाओं में वो वायरस जन्म ले चुका है जिसको भी पापा कह के बुलाता है, और इस वायरस ने इसके निप्पल से निकलकर और भी जीव जंतुओं के पिछवाड़े पर डंक मारे हैं। ये देखो, इतना सीन देखने के बाद मैंने वीडियो पॉज किया और दौड़ते दौड़ते दुकान तक के गया। वहां पे मैंने एक डायपर लिया और एक डायपर के चार हिस्से लगा के अपने चारों दोस्तों को पहनाया कि कहीं साले डर के मारे मूत्र की धारा ना निकाल दें। और फिर मैंने वीडियो रिज्यूम किया तो फिर मैंने क्या देखा, डायपर का पैसा बर्बाद। और भी कुछ इन वायरस की वीडियोस देखो, ये भी बहुत तेजी से फैल रहा है। साला इन लोग से अच्छा तो इस बकरी ने करके दिखा दिया। मतलब साले कैसे कैसे लोग फेमस हो रहे हैं, जोकर, रोकर, यूट्यूबर, निब्बा, पता नहीं कौन कौन। मतलब इन सालों को फालतू का फेम मिल रहा है। मतलब बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।